आज हम बनाएंगे चोको चिप्स मफिन, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। यहाँ एक बर्तन में मैंने स्ट्रेनर रख दिया है। इसमें हमने 1 कप मैदा लिया है। यह अनस्वीटेड कोको पाउडर है। जब भी केक बनाए इसमें थोड़ा सा नमक जरूर डालें, इससे मीठा बैलेंस हो जाएगा। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल देंगे। इन्हें अब हम छान लेंगे। अब इसमें हम चीनी मिलाएंगे। मीठा वैसे अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो जितना हमने कोको पाउडर लिया था उतना ही हम इसमें तेल डालेंगे। स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का तेल इस्तेमाल नहीं करना, इस बात का ध्यान रखें। तो इसमें अब हम दूध या पानी थोड़ा थोड़ा करके इनका एक स्मूथ सा बैटर बनाएंगे। लम्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। दूध की क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो सकती है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इनका एक बैटर बनाना है। इस तरह से हमें इनका बैटर तैयार करना है। केक का बैटर तैयार हो चुका है, तो इसे हम कढ़ाई में बनाएंगे। तो आप नॉर्मली घर का बर्तन भी इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इन्हें गिलास में भी बना सकते हैं। सबसे पहले इन्हें हम ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। अगर आप गिलास या कटोरी में बना रहे हैं तो उन्हें भी इस तरह से ग्रीस करेंगे। अब केक के बैटर को एक बार और मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इनके अंदर हम इन्हें डाल देंगे। पूरा नहीं भरना है, इस बात का ध्यान रखें। केक को बेक होने के लिए, थोड़ा सा फूलने के लिए उनमें जगह छोड़ना ज़रूरी है, तो पूरा नहीं भरना है, इस बात का ध्यान रखें। देखिए इस तरह से हमें इनमें थोड़ा सा जगह खाली रखना है। अब एक बार बर्तनों को इस तरह से हम टैप करेंगे, जिससे कि जो इनके अंदर एयर बबल्स हैं वो हट जाएं और केक हमारा अच्छे से बेक हो। अब इनमें हम चोको चिप्स को इस तरह से ऊपर से डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं ब्लैक वाला और वाइट वाला दोनों चोको चिप्स इसमें डाल रही हूँ। आप इन दोनों में से एक भी डाल सकते हैं, या तो ब्लैक या तो वाइट। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई गर्म होने को रख दिया है। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इन्हें हम 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बेक करेंगे। आप चाहें तो बीच में एक बार चेक कर सकते हैं। देखिए एक बार इन्हें चेक कर लेते हैं, ये 25 मिनट में बेक हुए हैं। बर्तन और केक के बैटर के ऊपर डिपेंड करता है कि केक हमारा कितने देर में बेक होगा, तो टाइम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। ये देखिए केक हमारा कितने अच्छे से बेक हुआ है, कितने अच्छे से फूला है। केक ठंडा होने के बाद ही इन्हें डिमोल्ड करेंगे। ये देखिए कितने आसानी से निकल जा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। एक बार ये रेसिपी ट्राई करें, आपकी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये रेसिपी आप भी ट्राई करें, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें और इस रेसिपी को एंजॉय करें। तब तक के लिए बाय।